गाइज, सबसे पहली बात कि मोबाइल गेम्स एंड पीसी गेम्स को कंपेयर करने का आइडिया भी काफी लोगों को अनफेयर सा लगता है और कई हद तक ये बात सही भी है। पर मेरे हिसाब से अगर गेमिंग हो रही है तो वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में हो रही है, तो वर्सेस का एनवायरनमेंट तो जरूर होगा ही। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर ही क्यों करना, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में कम्प्लीटली डिफरेंट कंट्रोल्स हैं, मजा और एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। हो सकता है कि पीसी में ओवरऑल एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर रहता है, नो डाउट, बट मोबाइल गेम्स में भी एक कंफर्ट है जो हम इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। वेल गाइज, मैं हूँ शौर्य सत्यार्थ एंड यू आर वॉचिंग गेमिंग जनरेशन। और गाइज, इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ मोबाइल गेमिंग वर्सेस पीसी गेमिंग का टॉपिक, जिसपे बहुत सारे लोग वंडर कर रहे होंगे कि एक्चुअली में कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा सुपीरियर है, राइट? वेल, इस वीडियो में आप सबको ये सारी ही बातें क्लियर हो जाएगी। बट गाइज, गेमिंग पीसी में हो या मोबाइल में, अच्छे ईयरफोन एंड हेडफोन्स की तो जरूरत दोनों में ही पड़ती है। तो यूबॉन की तरफ से यहाँ पे वायरलेस ईयरफोन्स एंड वायरलेस हेडफोन्स दोनों ही आप ट्राई कर सकते हैं। पहली नजर में तो ये काफी ज्यादा नॉर्मल दिखाई देता है, ज्यादा कुछ फैंसी नहीं। बट गाइज, इस ईयरफोन की एक बहुत ही एक्सक्लूसिव खासियत है कि जब भी आप इसे चार्ज पे लगाएंगे या फिर इसे ऑन करेंगे तो इसमें बत्तियां जलने लगती है। वो क्या बात है, चलिए पहन के भी देख लेते हैं। वेल गाइज, अब बत्तियां तो जल रही हैं, पर मैं सोच रहा हूँ ना बंद कैसे करें। एनीवेज, लेट्स ट्राई दिस हेडफोन। और गाइज, जहां तक मैं इसको पहली नजर में देख रहा हूँ तो मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। और गाइज, इसे भी हम पहन के देख ही लेते हैं और ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। चलो वैलोरेंट खेलने चलें। और गाइज, या अगर आपको एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो आप इसमें वायर लगा के कॉम्पिटिटिव गेम भी खेल सकते हैं। एंड गाइज, जिस फीचर के बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं वो है इस डब्बे की, जिसको आप लिटरली ऐसे पकड़ सकते हो। क्या बात है, वेल डब्बे वब्बे से क्या फर्क पड़ता है, इसे फेंको, मेन मुद्दे पे आते हैं। गाइज, इस हेडसेट के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा स्टैंड भी है, ये देखिए। और हाँ, इस कार्ड को देख के मुझे किसी की याद आ रही है। Well, इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहली बात, गेम डिफरेंस। अब गाइज, अगर हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं तो उनके एक्सक्लूसिव्स की भी बात करनी ही पड़ेगी, राइट? और हाँ, जैसा हम सब जानते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के गेम काफी ज्यादा अलग हो सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट कुछ ऐसे गेम्स हैं जो दोनों में ही कॉमन है एंड ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस देते हैं, लाइक वॉकिंग डेड, लाइफ इज स्ट्रेंज, माइनक्राफ्ट एक्सेट्रा। अब इन गेम्स को बेशक डिफरेंट तरीके से पोर्ट किया गया होगा मोबाइल में, बट मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसे गेम्स थे जो बिल्कुल ही सेम फीलिंग देते हैं दोनों ही प्लेटफॉर्म में। आप जहाँ भी खेलो आपको सेम मजा आएगा। और हाँ, इनमें से कुछ गेम जैसे वॉकिंग डेड या लाइफ स्ट्रेंज आपको ज्यादा मजा मोबाइल में ही देगा। मैं ये गेम्स मोबाइल में ही क्यों ना खेल लूं? अगर मैं वॉकिंग डेड, जिसमें ज्यादा कंट्रोल्स मैटर नहीं करते, उसमें मैं अपने बिस्तर पे आराम से बैठ कर खेलूंगा या फिर लेट कर खेलूंगा इंस्टेड ऑफ चेयर पे टेंस होके खेलना। एंड रियली, मैंने लाइफ स्ट्रेंज एंड वॉकिंग डेड की सीरीज पूरी मोबाइल पे ही कंप्लीट की है, जहां तक मोबाइल पे अवेलेबल है। बट मेन डिफरेंस आता है पीसी के AAA टाइटल, जो कि मोबाइल में कभी भी पोर्ट नहीं हो सकते ओरिजिनली, जैसे Assassin's Creed, GTA 5 etc. तो इनका मजा लेने के लिए तो आपको पीसी पर आना ही होगा, और इनका मजा ऐसा है जो मुझे मोबाइल पे कभी नहीं आ सकता। जैसे मैंने कहा, वॉकिंग डेड में ज्यादा कंट्रोल्स नहीं है, वो विजुअली उतना इनहेंस नहीं है, बट Assassin's Creed एंड GTA 5, God of War, ये कुछ ऐसे गेम्स हैं जो विजुअली दिखते हैं बहुत ज्यादा अच्छे, और इनका असली मजा विजुअल्स में ही है, जिसका आप अच्छा एक्सपीरियंस बड़े स्क्रीन पर ही ले सकते हो। और अगर इनको मोबाइल पे पोर्ट कर भी दिया गया तो पूरा का पूरा मजा और एक्सपीरियंस बेकार हो जाएगा। और अगर सेम टू सेम पोर्ट कर भी दिया गया बिल्कुल ही अमेजिंग विजुअल्स के साथ, तो बिल्कुल Genshin Impact एंड Fortnite जैसा सीन हो जाएगा। ये दोनों ऐसे गेम्स हैं जिनको आप बिल्कुल हाई एंड मोबाइल पर ही खेल सकते हो, अगर आपको पूरा विजुअल मजा चाहिए तो, जो कि मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है, क्योंकि अगर आप 80-90 हज़ार मोबाइल पे खर्च कर रहे हो तो इससे अच्छा पीसी ले लो। एंड गाइस, अब बहुत सारे लोग बोले हैं कि भाई ये फेयर बात नहीं है, मोबाइल का सिस्टम हार्डवेयर ही अलग होता है पीसी से। तो यप, एग्जैक्टली, दिस इज व्हाई गेम डिफरेंस इज इम्पोर्टेंट। एंड लेट मी एक्सप्लेन दैट, मोबाइल गेम एंड पीसी गेम्स का डिफरेंट होना काफी ज्यादा जरूरी है, होना ही पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, Assassin's Creed Odyssey को मोबाइल पर पोर्ट नहीं किया जा सकता उसके ग्राफिक लेस करके, क्योंकि ओडिसी का असली मजा ही उसके विजुअल्स में है। तो इसलिए आपको ये बात समझनी जरूरी है कि मोबाइल पर डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है, बट उसमें गेम्स भी अलग होने चाहिए मोबाइल
मोबाइल के हिसाब से, जिसके विजुअल्स उतने इम्प्रेसिव ना हो, बट क्योंकि हम उन्हें मोबाइल पे खेल रहे हैं तो वो उसी के हिसाब से बने हो, जिसके लिए ज्यादा कंट्रोल्स नहीं चाहिए, जो स्टोरी ड्रिवन हो या कम्पिटेटिव गेम्स लाइक पबजी, जिनमें ग्राफिक ऊपर नीचे हो तो भी मैटर नहीं करता। और गाइस सेम चीज माइनक्राफ्ट पे भी अप्लाई होती है। मैंने पर्सनली माइनक्राफ्ट मोबाइल पे ज्यादा खेला है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रेंड्स के साथ खेलना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। इफ यू आर चिलिंग विद योर फ्रेंड्स, जस्ट उनको कहो माइनक्राफ्ट में आ जाओ, तुरंत एक सेकंड में मोबाइल खोला एंड माइनक्राफ्ट में दोनों ऑनलाइन आ गए एंड अपने वर्ल्ड में क्रिएशन स्टार्ट कर दी। ये चीजें पीसी में नहीं हो सकती। लेकिन गाइस एक और सवाल उठता है, कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा कन्वीनियंट है, मोबाइल या पीसी? अब कुछ लोग बोलेंगे कि पीसी, क्योंकि ऑफ कोर्स बिग स्क्रीन मींस ज्यादा फन, ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस। या ट्रू, बिल्कुल सही बात। बट गाइस आपको ये बात समझनी होगी कि हर बार ऐसा नहीं होता। जैसा मैंने कहा कि कई बार मोबाइल भी बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है बिकॉज ऑफ देयर पोर्टेबिलिटी। और गाइस क्योंकि पोर्टेबिलिटी बढ़ गई तो इससे अल्टीमेटली एक्सपीरियंस भी तो एनहांस होगा, राइट? एंड गाइज अगर एक्सपीरियंस की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि पीसी पर आपको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा विजुअली मैकेनिकली, बट मोबाइल पर आपको पोर्टेबिलिटी का ज्यादा मजा मिलेगा, सिंपल। और गाइज इन दोनों ही चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, जिनको शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही जानते हो पहले से ही। मुझे याद है कि एक बार मुझे अपने फ्रेंड के साथ माइनक्राफ्ट खेलना था, बट मैं अपने मेन घर पे नहीं था, मैं ट्रैवल कर रहा था और मेरे कई सारे दोस्त ऑनलाइन थे, बट इंस्टेड की मैं उन्हें मना कर दूं, मैंने सिंपली मोबाइल पॉकेट एडिशन डाउनलोड कर लिया और उसी में उनके साथ ज्वाइन कर लिया। सिंपल, एंजॉय करने का इससे बेहतर रास्ता थोड़ी ना होगा। अगर मैं अपने घर पे भी रहूं तो कौन माइनक्राफ्ट खोले? एंड यू नो माइनक्राफ्ट में पीसी में कौन चिल मारता है? मार सकता है अगर आपको शेडर्स का मजा लेना है, क्योंकि हाँ अगर आप माइनक्राफ्ट खेल रहे हो तो पीसी में आपको शेडर्स के ज्यादा मजा आएंगे। लेकिन गाइज अब यहाँ पे हम सब जानते हैं कि ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो पीसी इज फार फार बेटर बहुत सारी चीजों में। लाइक आप मोबाइल की पोर्टेबिलिटी को हर चीज से कंपेयर नहीं कर सकते जो पीसी प्रोवाइड करती है। वो पावरफुल हार्डवेयर, वो विजुअल एनहांसमेंट, कीबोर्ड एंड माउस का वो फीलिंग, इन चीजों को आप किसी और चीज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब गाइज एक और बात आती है, हम यहाँ पे गेम्स की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम गेम्स की ही बात कर लें? विच प्लेटफॉर्म है मोर वैरायटी एंड बेटर गेम्स? पीसी। स्ट्रेट आंसर गाइज, पीसी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पीसी के गेम्स टेक्निकली सुपीरियर होते हैं मोबाइल के हिसाब से। अब इसके लिए आप मोबाइल का कोई भी बेस्ट गेम उठा लीजिए, किसी भी कैटेगरी का। लेट्स पिक फ्रॉम कॉम्पिटेटिव कैटेगरी फ्रॉम मोबाइल, इट्स पबजी एंड फ्री फायर, राइट? और अब आप कॉम्पिटेटिव कैटेगरी में पीसी का कोई गेम उठा लीजिए, जैसे एपेक्स लेजेंड, वॉरजोन, पबजी पीसी, वैलोरेंट। दीज गेम्स आर फार फार मोर सुपीरियर देन पबजी मोबाइल इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, नो डाउट। बट डेफिनेटली इससे ये साबित नहीं होता है कि पबजी पीसी इज बेटर देन पबजी मोबाइल। मैंने एक्सपीरियंस की बात की है, वो भी विजुअली, जिसमें नो डाउट वॉरजोन, पबजी पीसी, एपेक्स लेजेंड मोबाइल से तो फार फार बेटर है। लेकिन कौन सा गेम बेस्ट है ये सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हो। आपके पास आपके दोस्त क्या खेलते हैं, आपको किसमें ज्यादा मजा आता है, पबजी मोबाइल में या पीसी में, वॉरजोन में या फ्री फायर में? डेफिनेटली इन दोनों ही कैटेगरीज में बहुत बहुत बड़ा गैप है, लेकिन आपको किसमें ज्यादा मजा आता है यही मैटर करता है कि आपके लिए बेस्ट गेम कौन सा है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो काफी इंटरेस्टिंग है। मोर ऑडियंस, सिंपल आंसर, मोबाइल। क्यों? क्योंकि मोबाइल सबके पास होता है। मैं भी एक मोबाइल गेमर हूँ पीसी गेमर होने के साथ साथ। और गाइस मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था ये पूछते हुए कि आप क्या हो, तो रिजल्ट आपके सामने है। मैंने एक और चीज पूछी थी कि कितने लोग पीसी पर स्विच करना चाहते हैं, कितने मोबाइल गेमर्स पीसी पर स्विच करना चाहते हैं, जवाब आपके सामने है। ऑलमोस्ट 90% लोगों ने इस बात को कंफर्म किया कि वो मोबाइल गेमर हैं, बट वो फ्यूचर में बेटर एक्सपीरियंस के लिए मोबाइल से पीसी पर स्विच होंगे। बट बहुत सारे लोगों ने रीजनेबल आंसर्स भी दिए कि वो स्विच नहीं करेंगे बट वो पीसी पर भी गेम्स खेलेंगे। यू नो पीसी पर शिफ्ट होने का ये मतलब नहीं है कि आप मोबाइल गेम्स को डिच कर दें। जैसे कि मैं एक पीसी गेमर होने के साथ साथ मोबाइल गेमर भी हूँ। अगर मैं पीसी पर असैसिन्स क्रीड ओडिसी खेलता हूँ, एल्डियन रिंग खेलता हूँ, वैलोरेंट खेलता हूँ, तो मैं मोबाइल पर भी कभी कभी माइनक्राफ्ट खेलता हूँ, सीओडी मोबाइल खेलता हूँ, एक्सेट्रा। यू नो अगर वैलोरेंट मोबाइल पे आएगा तो मैं मोबाइल का वैलोरेंट भी ट्राई जरूर करूंगा, लेकिन अभी तो पीसी का ही। अब गाइस हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और वो है डेवलपमेंट कॉस्ट, जिसमें ज्यादातर लोग ये बोलेंगे पीसी, राइट? ऑफ कोर्स पीसी को ही होना चाहिए। या ये बात पार्शियली ट्रू है, बट गाइस ऐसा हर सिचुएशन में नहीं होता। फॉर एग्जांपल एंग्री बर्ड एक ऐसा गेम था जिसकी डेवलपमेंट कॉस्ट $150,000 की थी, जो कि पीसी के कई ट्रिपल ए टाइटल जितनी ही है। ऑफ कोर्स अगर हम लार्ज क्वांटिटी में देखें तो पीसी गेम्स ज्यादा पैसे बर्न करते हैं गेम्स बनाने के लिए, बट कुछ सिचुएशन में मोबाइल गेम्स भी पीसी गेम्स के क्लोज आते हैं डेवलपमेंट कॉस्ट के मैटर।
में, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड गाइस, इसी से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ओवरऑल रेवेन्यू किस प्लेटफॉर्म में ज्यादा होता है। इसका भी एक सिंपल आंसर है, मोबाइल। मोबाइल गेम्स ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं उनके डेवलपर्स को। यप, दिस इज ट्रू। एंड गाइस, मैं फाइनली बात करूंगा मेरे थॉट्स की, मैं क्या सोचता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। अब इस चीज पे मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। तो गाइस, मेरे हिसाब से इन दोनों ही प्लेटफॉर्म में से किसी एक प्लेटफॉर्म को सुपीरियर बताना बहुत गलत होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा, इन दोनों ही प्लेटफॉर्म का अपना फैन बेस है। कोई विलिंगली मोबाइल पे स्विच होते हैं पीसी से, कुछ विलिंगली पीसी पर स्विच होना चाहते हैं। एंड में यही चीज मैटर करती है कि आपको किसमें ज्यादा मजा आ रहा है। तो कंक्लूजन मेरे हिसाब से यही है कि अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो पीसी फार बेटर है मोबाइल से। कई गेम्स ऐसे हैं जिनका ओरिजिनल मजा मोबाइल पे ही आता है, और कई गेम्स ऐसे हैं जिनका ओरिजिनल मजा पीसी पर आता है। तो गाइस, मेरे हिसाब से तो आप दोनों ही गेमर बन जाओ मेरी तरह, राइट? एनीवे गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप मेरी बात से अग्री करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एंड हाँ, आप अपने वैल्यूएबल थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। और इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।